अभी मैं अटल पथ फेस 2 के फ्लाईओवर के ठीक नीचे फिश मार्केट के पास हूं और यहीं पर सर्विस लेन बनाने का काम चल रहा है। दीदारगंज 21 किलोमीटर और अटल पथ 0.6। ये रहा अपना मरीन ड्राइव, देख लीजिए क्या खूबसूरत लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और यार, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में एक्चुअली रात हो जाने के कारण मैं आपको दीघा रोटरी के पास चल रहे काम को और फिश मार्केट के बगल से जो सर्विस लेन बनाया जा रहा है उसके काम को नहीं दिखा पाया था, तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको आज ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी मैं अटल पथ फेस 2 के फ्लाईओवर के ठीक नीचे फिश मार्केट के पास हूँ और यहीं पर सर्विस लेन बनाने का काम चल रहा था, पर मुझे यहाँ कुछ काम होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहाँ थोड़ी दूर ड्रेनेज का काम किया गया है। आइए मैं आगे तक आपको दिखा देता हूँ इसे भी। यहाँ सर्विस लेन का तो काम नहीं हुआ है, बट चलिए ऊपर चल के देखते हैं वहाँ के काम की क्या पोजीशन है। तो गाइज, यहाँ काम फाइनल स्टेज पर है। आप देख सकते हो रोड बनाने का काम पूरी तरह से कर लिया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, तो बाइक अंदर तो नहीं ले जा सकता, पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मैं लोकेशन पर आऊँ और आपको अपडेट ना दिखाऊँ। तो चलिए मैं इसके काम की पूरी डेट आपको दिखा देता हूँ, बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूँ इसके काम का, फिर आपको चारों तरफ से इसके व्यू को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ रोड की फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। सामने आप जेपी सेतु को भी देख सकते हो, यहाँ तक जो रोड का काम है उसे पूरा कर लिया गया है। ये दोनों लेन जो आप देख रहे हो ये आपको जेपी सेतु से कनेक्ट हो रहा है। इस लेन का यूज़ करके आप जेपी सेतु पर आना जाना कर पाओगे। तो आइए अब आगे के चल रहे काम को देख लेते हैं। तो गाइज, ये रहा साइन बोर्ड और देख सकते हो यहाँ से दीदारगंज 21 किलोमीटर और अटल पथ 0.6 किलोमीटर दूर है। तो गाइज, करीब करीब सारे काम को यहाँ पूरा कर लिया गया है, बस फाइनल टचअप दिया जा रहा है। और सबसे मेन काम जो बचा हुआ है यहाँ वो है ये लाइट्स को लगाने का। आप यहाँ देख लीजिए, वायरिंग का काम भी कंप्लीट है, बस पोल को फिट करना बाकी है। तस्वीरें आप देख सकते हो। आगे वहां से ये रोड डिवाइड हो रहा है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप अटल पथ या गंगा एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो यहां इस जगह से रास्ता दो साइड डिवाइड होगा। इस तरफ आप एम्स या दीघा के साइड जा सकते हो, या फिर इधर इस वाले लेन से आप सोनपुर हाजीपुर के तरफ चले जाओगे। तो गाइज, ये थी ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा हाई लेवल रिपोर्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा अपना मरीन ड्राइव, देख लीजिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये रास्ता ही आपको दीघा या एम्स एलिवेटेड रोड पर लेकर जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हो। और सामने उस वाले रोड से आप जेपी से सोनपुर या हाजीपुर की तरफ आना जाना कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा और आगे चलता हूँ और एक अलग एंगल से इसके काम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं अभी जेपी सेतु पर हूँ और यार, इस ब्रिज के बनने से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हुई है उत्तर बिहार आने जाने में। एक टाइम था जब गांधी सेतु पर घंटों जाम में फंसे रहते थे लोग, पर जब से ये सेतु बनकर तैयार हुआ है आना जाना काफ़ी आसान हो गया है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ से इस जेपी गंगा पाथवे का एक जबरदस्त सा व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज, ये रहा अपना गंगा एक्सप्रेसवे जो बहुत जल्द बिहार के लोगों के लिए शुरू होने वाला है। बस कुछ दिनों का ही इंतजार और फिर आपकी गाड़ियाँ यहाँ फराटे भरेंगी
और भाई थोड़ा स्पीड कंट्रोल में ही रखिएगा, आपको पता ही होगा ऑलरेडी यहाँ एक दो एक्सीडेंट भी हो चुका है, बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हो। वैसे आपको यहाँ से इसका व्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी आप यहाँ चल रहे काम को देख सकते हो। तो आइए अब थोड़ा उधर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ आप सभी को। तो देख लीजिए गाइज, ये रहा अपना मरीन ड्राइव गंगा एक्सप्रेसवे। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप पटना से हो तो आज से कुछ साल पहले अगर आप यहाँ आते होंगे तो पता होगा यहाँ की स्थिति कैसी थी। और ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई सोचा भी नहीं होगा कि अपने पटना में भी ऐसी सड़क और पुल का निर्माण कभी होगा। पर आज केंद्र और बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के कारण आज बिहार अपनी एक अलग पहचान बनाते जा रहा है। तो गाइज ये था पटना के गंगा एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा अपडेट। काफी डिमांड थी मेरे सब्सक्राइबर भाइयों की कि एक अलग सा व्यू दिखाइए इस मरीन ड्राइव का। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भाई मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे मैं एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।